नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लंदन एम्बेसी में जिस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था खालिस्तानियों के द्वारा, तो इसको लेकर के अब भारत सरकार ने बड़ा एक्शन उठाया है। दरअसल अब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही PTPP एक्ट में भी ये मामला दर्ज किया गया है। जो तमाम जो खालिस्तानी वहां पर मौजूद थे, इंडियन भारतीय उच्च आयोग के सामने जो तमाम खालिस्तानी मौजूद थे, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, बवाल काट रहे थे, इन तमाम लोगों की जो पहचान है वो वीडियो क्लिप के जरिए पुलिस कर रही है और इस मामले को लेकर के ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 19 मार्च को लंदन में स्थित भारतीय उच्च आयोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन मामले में केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में IPC, UAPA और PDPP अधिनियम की धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया है। इसी के साथ ही स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भारत के पासपोर्ट से विदेशी धरती पर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही केस दर्ज करने को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया था, जिसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। वहीं सूत्रों की माने तो जिन लोगों के बारे में खुफिया विभाग को पता चला है वो पंजाब के तरन तारन, मजीठा, होशियारपुर और संगरूर के रहने वाले हैं, जिन पर स्पेशल सेल जल्द ही शिकंजा कसेगी। वीडियो के जरिए अभी और भी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि स्पेशल सेल ने समर्थकों पर पुलिस के शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ ही 19 मार्च को लंदन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्च आयोग पर लगे भारत के झंडे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लगा दिया था। हालांकि बाद में देखने को मिला था कि उससे भी बड़ा तिरंगा भारतीय उच्च आयोग में फहराया गया था, लेकिन किस तरीके से दुस्साहस किया गया था खालिस्तानियों के द्वारा और वहां से भारतीय तिरंगे को हटा करके खालिस्तान का झंडा फहराया गया था। वहीं इसके बाद 22 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर बवाल भी काटा था और इस दौरान उनकी ब्रिटेन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी और सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे। इस मामले के बाद विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर स्पष्टीकरण भी मांगा था। वह इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय की ओर से साफ शब्दों में यह कहा गया था कि लंदन में भारतीय राजनयिक कैंपस और कर्मियों की सुरक्षा में ब्रिटेन सरकार की ओर से बेरुखी देखी गई है, जो किसी भी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रिटेन सरकार को वियना संधि के तहत उनके बुनियादी फर्ज की याद भी दिलाई गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद भारत में घुसाए सिख समुदाय के लोगों ने भी दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। सिख प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि भारत हमारा स्वाभिमान है और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि ब्रिटेन से सुरक्षा व्यवस्था की गैर मौजूदगी के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जिससे ये तत्व उच्च आयोग परिसर में दाखिल हुए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजनयिक को वियना संधि के तहत ब्रिटेन सरकार के बुनियादी दायित्वों की याद दिलाई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरुखी देखने को मिली है, जो कि अस्वीकार्य है। गौरतलब है कि 19 मार्च को लंदन में ये प्रदर्शन हुआ था। रविवार के इस प्रदर्शन के मामले में भारत ने दिल्ली में सबसे वरिष्ठ ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया था और खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी तत्वों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय ध्वज को उतारे जाने के प्रयास वाला वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गैर मौजूदगी पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में ये कहा था कि भारत को ब्रिटेन में भारतीय
लिए राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन सरकार की बेरुखी देखने को मिली है, जो कि स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टिना स्कॉट को घटना के मद्देनजर विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, क्योंकि उच्चायुक्त एलेक्स एलिस दिल्ली से बाहर है। आपको बता दें, जिस तरीके का वाकया 19 मार्च को दिखा था, तो इसको लेकर के भारत में काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। जिस तरीके से प्रो खालिस्तानियों ने लंदन के भारतीय उच्च आयोग में ये साहस किया था और तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी, हालांकि बाद में वहां पर उससे भी बड़ा तिरंगा लगाया गया था और ये कहीं ना कहीं भारतीयों के सम्मान पर सवाल उठाने वाला बात था। जिस तरीके से जो खालिस्तानी आज ब्रिटेन में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं भारतीय पासपोर्ट से वहां पर गए हैं, लेकिन भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके विदेशी धरती पर जा करके कैसे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, देश के ध्वज का अपमान किया जा रहा है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये FIR दर्ज की है। फिलहाल उन तमाम प्रदर्शनकारियों को लेकर के उनकी शिनाख्त की जा रही है। इसी के साथ ही जिन लोगों ने वहां पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, उसे हटाने की कोशिश की और खालिस्तानी झंडे को लहराने का दुस्साहस किया, तो इन तमाम लोगों की शिनाख्त लगातार वीडियो के जरिए की जा रही है। इन तमाम लोगों पर कार्रवाई को लेकर के गृह मंत्रालय और पुलिस एक्शन के मोड में नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं अमृतपाल की गिरफ्तारी और अमृतपाल पर जिस तरीके से पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से दबिश की काम की जा रही है, अमृतपाल इस वक्त लगातार फरार चल रहा है और इसको लेकर के पंजाब पुलिस ने कई इलाकों पर दबिश दी है। लगातार ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी की जा रही है। जहां जहां अमृतपाल के लिंकअप्स मिल रहे हैं, वहां पर पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार के द्वारा जो फोर्सेस तैनात किए गए हैं, ये तमाम लोग वहां पर छापेमारी कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अमृतपाल सिंह के जितने भी समर्थक थे और जितने रिश्तेदार थे, इन तमाम लोगों को पुलिस ने तलब किया है, कईयों की तो गिरफ्तारी की गई है। और इसी के साथ ही अमृतपाल के गाड़ियों को भी सीज कर लिया गया है। अमृतपाल के ड्राइवर, चाचा और उसके जो तमाम समर्थक थे, उन पर भी NSA लगाया गया है, यानी कि पूरी तरीके से पुलिस जो है मुस्तैदी अख्तियार करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से खालिस्तानी को लेकर के मांग उठ रही है, लोग जहां अमृतपाल सिंह का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच अमृतपाल सिंह को लेकर के कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में आज तक के सुधीर चौधरी के द्वारा खुलासा किया गया कि कैसे अमृतपाल जो है तमाम लड़कियों से चैट करता था और कई सारी बातें करता था, और इसको लेकर के जो उसने एक अपने समाज के लोगों के अंदर एक वहम बैठा रखा है कि वो खालिस्तान को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है और पूरी तरीके से अपने धर्म का पालन करता है, तो इस चीज़ को लेकर के उसकी पोल खुल गई। और इसी के साथ ही कई सारे खुलासे लगातार अमृतपाल सिंह को लेकर के होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत में जो पंजाब का हिस्सा मौजूद है, लोग उसको खालिस्तान बनाने का मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मांग पाकिस्तान में मौजूद पंजाब प्रांत को क्यों नहीं होती, क्योंकि पंजाब प्रांत भी जो भारत में पंजाब है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में है। और यहाँ तक कि अगर बात हम गुरु नानक देव जी की करें, तो उनका भी जन्म आज के पाकिस्तान लाहौर में हुआ था, तो ऐसे में खालिस्तानियों को तो पाकिस्तान में डिमांड ज़्यादा करनी चाहिए और जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, तो इस चीज़ को लेकर के डिमांड करनी चाहिए और वहाँ की हुकूमत से भी डिमांड करनी चाहिए। लेकिन बार बार ये भारत की शांति व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश क्यों की जाती है, बार बार ये खालिस्तानी मुद्दा क्यों उठाया जाता है, क्या कोई विदेशी ताकत है जो कि इस तरीके से मुद्दा उठाता है और लगातार फंडिंग करता है, क्योंकि अमृतपाल सिंह को लेकर के कई सारे फंडिंग के भी आरोप लगे हैं कि कैसे उसके अकाउंट्स में बाहर से फंडिंग की जाती थी, उसके अकाउंट में बाहर से पैसे आते थे जिसके बिहाफ पर ये चीज़ें अमृतपाल सिंह के द्वारा की जाती थी। फिलहाल अमृतपाल सिंह को लेकर के जो समर्थन किया जा रहा था भारतीय उच्च आयोग में, जिस तरीके से लंदन में प्रदर्शन देखा गया था, तो इन तमाम लोगों पर अब दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।